दिन भर रात भर और आज और वहां पर जाकर के बयान लेने तक की फुर्सत नहीं थी। गलत नाम लो तुम अगर किसी एक विशेष का नाम ऐसा लोगे। कल सवेरे पहले चक्का जाम किया, फिर प्रशासन की समझाइश पर कि हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते कल शाम को जाकर के 7:30 बजे FIR लिखा गया। प्रशासन की नियत पहले दिन से ही जो अपराधी हैं उन अपराधियों को बचाने की चलती है, उनको किस तरीके से कानून के अंतर्गत लीकेज का छूट दिया जा सके। इसका एक सीधा प्रमाण है कि मृतक के भाई ने जब वो जिंदा था मलकीत सिंह, उसको ITI ग्राउंड से कुर्सी पार के और वहां पर जाकर के बयान लेने तक की फुर्सत नहीं थी। अगर उस मृतक का बयान उसी समय हो जाता तो शायद ये बाकी चीजें जो अभी घुमाया जा रहा है वो नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी घटना पता लगी, जो चश्मदीद गवाह था, वो चश्मदीद गवाह को ये बोला गया कि भाई तुम गलत नाम लो, तुम अगर किसी एक विशेष का नाम ऐसा लोगे तो यहाँ पर आपसी समुदाय के दंगे हो जाएंगे और तुमको भी पट्टे मारे जाएंगे। वो जो चश्मदीद गवाह है आज सबके सामने सवेरे मीडिया के सामने इस बात को बोला, 24 घंटा वो घूमते रहा। पहले दिन से प्रशासन ना मालूम क्यों ऐसा, उसके बावजूद भी हम सब ने पूरे शांतिपूर्वक कल दिन भर रात भर और आज शाम तक और अभी तक शासन से सिर्फ दो इनके परिवार के लोगों ने मांग रखी थी कि एक जो विधवा बच्ची है जिसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, जो शासकीय नौकरी उसके योग्यता के अनुसार जो भी बनता है, जो किसी भी सरकार और मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसी सरकार में मुख्यमंत्री के द्वारा सीधे तौर पर अपने लोगों को डिप्टी कलेक्टर अपॉइंटमेंट किया गया है। लेकिन हम डिप्टी कलेक्टर नहीं, हम तो प्यून की नौकरी से सहमत है, वो शासकीय हो, लेकिन वो नहीं दिया गया। बीच में कलेक्टर के यहाँ से बुलावा आया, ये यहाँ का प्रतिनिधि मंडल गया, 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। अंत में जैसा इनके पिताजी ने कहा कि चलो 50 नहीं तो 20 लाख तक आप दे दो, लेकिन वो बोलते हैं कि 5 लाख से ज्यादा नहीं दूंगे। ऊपर से उन्होंने ये भी धमकी दिया कि हम ये टेंट वन को खड़वा देंगे। क्यों ये बोले ना, अब ये लड़ाई भिलाई और छत्तीसगढ़ के उन हत्यारों के खिलाफ और उनके साथ खड़ी हुई प्रशासन और शासन के खिलाफ आम जनता की है, सिख पंचायत की है और पीड़ित परिवार की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और सवेरे आए थे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, चलो जान बैठे आवाज कल पूरे लोग, एक तो सभी मार्केटों में कल भिलाई बंद के लिए अपने अपने स्तर पर निकलेंगे और भिलाई बंद कराने के बाद सारे लोग इस पंडाल में भी उपस्थित रहेंगे और आज रात भर भी सारे लोग इस पंडाल में एकत्रित रहेंगे। अगर प्रशासन तानाशाही चाह रहा है तो उस तानाशाही का जवाब देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और जिस लड़ाई से जैसे भी वो लड़ेगा उसके लिए हम सब तैयार हैं। सिख पंचायत जो निर्णय करेगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और सारे जो यहाँ के लोग हैं वो साथ देने के लिए तैयार हैं।
इतना ही हम कह रहे हैं। पीड़ित परिवार जो निर्णय लेगा, कल से हम लोगों का स्टैंड यही था और आगे भी यही रहेगा।